नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नोकिया ने रिसेंट इंडिया में लॉन्च किया है नोकिया 2.3, जो कि एक बजट स्मार्टफोन है। जी हाँ, प्राइस स्टार्ट होता है 7,999 रुपये से। तो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसी स्मार्टफोन का, फर्स्ट इंप्रेशन भी आपको देंगे, बताएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दो डिवाइस एक्स्ट्रा भी हैं नोकिया के 2.3 के। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग के साथ में, फर्स्ट इंप्रेशन के साथ में गिव अवे भी करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस फ़ोन की और फिर बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। और दोस्तों, ये है बॉक्स नोकिया 2.3 का। बॉक्स बिल्कुल टिपिकल नोकिया जैसा ही है, जैसे कि हमने पहले देखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है नोकिया 2.3, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आपको 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये था बॉक्स का फ्रंट साइड। करते हैं बैक साइड की तरफ। तो यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं कुछ की हाईलाइट फीचर, जिसके बारे में बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए अब कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि हमें कैसा देखने मिलता है नोकिया का 2.3। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको देखने मिलता है ये फ़ोन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है चारकोल कलर में। हालांकि इसमें आपको कुछ कलर ऑप्शन और भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए एक बार इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं और हमें बॉक्स में क्या कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बॉक्स कंटेंट में सबसे पहले हमको देखने मिलता है सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक नोकिया का चार्जर जो कि आता है 5 वोल्ट और 1 एम की आउटपुट रेटिंग के साथ में, मीन्स एक नॉर्मल चार्जर हमको इनबॉक्स देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, लास्ट में हमको देखने मिलता है एक डेटा केबल, जो कि है माइक्रो USB पोर्ट में। तो दोस्तों, ये थे बॉक्स कंटेंट, चलिए इनको रखते हैं साइड में और अब बात करते हैं नोकिया के 2.3 की। तो चलिए दोस्तों, मैं कम्प्लीटली सेटअप कर लेता हूँ इस फोन का। तो दोस्तों, फोन हो चुका है कम्प्लीटली सेटअप और हम आ गए हैं नोकिया 2.3 के होम स्क्रीन पे। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो फोन का डिजाइन रियर साइड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इनफैक्ट ये आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे कि हमने नोकिया के पहले वाले फोन देखे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। जी हाँ, हाथ में पकड़ने के बाद ये काफ़ी स्टर्डी फील होता है, काफ़ी सॉलिड फील होता है, और जैसे हमने नोकिया के पहले वाले फोन देखे हैं, कुछ इसी तरीके का बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो ये पूरा फ़ोन बना है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी से, लेकिन जो हैंड्सऑन फील है ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है नोकिया के डिवाइसेस का। तो ऐसा ही यह फ़ोन हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे हमें 6.2 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको सेल्फी नॉच या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो है HD+। जी हाँ, 720 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनसेल डिस्प्ले है, IPS पैनल है, तो नो डाउट डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस होगा वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, आपको अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, ये था इस फ़ोन की डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों नोकिया के किसी भी फ़ोन की, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनका OS। जी हाँ, आपको बता दें, नोकिया के सारे फ़ोन हमें देखने मिलते हैं एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ में, जहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। तो यह फ़ोन भी आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी स्किन देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही यहाँ पर आपको कोई ऐड देखने को मिलने वाला है। तो क्लीन UI के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। जी हाँ, एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अभी यह फ़ोन काम कर रहा है एंड्रॉयड के 9 मी स्पाई के साथ में, लेकिन ये एंड्रॉयड 10 रेडी फ़ोन है, मतलब बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का अपग्रेड भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि नोकिया गारंटी करता है कि आपको 2 साल तक अपग्रेड देखने को मिलेगा, मतलब एंड्रॉयड 10 तो देखने को मिलेगा ही, उसके बाद एंड्रॉयड 11 या फिर और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने को मिलता है एंड्रॉयड की तरफ से, उसका भी अपग्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस की, तो 3 साल तक आपको सिक्योरिटी पैचेस आपको देखने मिलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में कहीं भी नोकिया पीछे नहीं रहता है, ये हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, और इस डिवाइस के साथ में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट का एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली यूज़ कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट को। अब दोस्तों, हम OS की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात भी कर ही लेते हैं। आपको बता दें कि इस फ़ोन में आपको मिलता है MediaTek का Helio A22 चिपसेट, जो कि क्वाडकोर चिपसेट है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन डेली यूजेस में ये आपके लिए काफ़ी अच्छे से काम करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने मिलता है, तो उसके हिसाब से आपके डेली यूजेस के काम काफ़ी अच्छे से इस डिवाइस पे हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कैमरा की, तो आपको बता दें कि इस फ़ोन में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि है 13+2 मेगापिक्सल का,
और जो फ्रंट कैमरा है ये है 5 मेगापिक्सल का। अब इस फ़ोन के रियर और फ्रंट कैमरे से हमने कुछ इमेजेस ली हैं जो कि आप देख सकते हैं, कुछ सैम्पल पिक्चर यहाँ पर हैं। और मैं कहूँगा कि प्राइस वाइज नो डाउट यहाँ पर अच्छा कैमरा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कुछ पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों मैं कहूँगा कि यहाँ पर अच्छी पिक्चर्स हमको देखने को मिल रही हैं। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, कुछ इमेजेस आपके सामने हैं। तो दोस्तों ये थी इस फ़ोन के कैमरे की बात। अब अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के एक और की हाईलाइट की, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इस फ़ोन में आपको 1 साल का रिप्लेसमेंट गारंटी देखने को मिलता है। जी हाँ, हर एक फ़ोन में हमें वारंटी देखने को मिलता है 1 साल का। लेकिन अगर आप नोकिया के 2.3 को 31 मार्च 2020 से पहले खरीदते हैं तो इस फ़ोन में आपको रिप्लेसमेंट गारंटी देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी हार्डवेयर इशू हो जाता है 1 साल में तो दोस्तों आपका ये जो फ़ोन है ये रिप्लेस हो जाएगा नोकिया के सर्विस सेंटर से। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो आपको दूसरे फ़ोन्स नहीं दे पाते हैं वो आपको नोकिया के इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फ़ोन में दिया गया है 4000 mAh का बैटरी, जो कि मुझे लगता है कि 1 से 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर रैम और स्टोरेज वेरियंट की, तो 2 GB का रैम दिया गया है, 32 GB का स्टोरेज है। और अगर आप 32 GB को और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 SIM कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, तो आप इसे और बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। जी हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर का फीचर नहीं है, लेकिन फेस अनलॉक के थ्रू आप इस फोन को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नोकिया 2.3 के बारे में। चलिए अब बारी है गिव अवे की, कि आपको कैसे एंटर करना है गिव अवे में। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर 2 पीसेज हैं नोकिया के 2.3 के, जिसका कि आज की इस वीडियो में हम गिव अवे करने वाले हैं। अब आपको एंटर कैसे करना है, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। सबसे पहले तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसके अलावा नीचे लिखना है कमेंट कि आपको इस फ़ोन में क्या अच्छा लगा, मतलब ऐसा कौन सा फीचर था जो कि आपको इस फ़ोन में सबसे अच्छा लगा है, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। सिर्फ आपको एक ही कमेंट करना है, अगर आप 2 कमेंट करते हैं या फिर 1 से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको 1 कमेंट करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, आपको हमें फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी। और दोस्तों जो रिजल्ट्स हैं ये भी आपको हमारे सोशल मीडिया पे ही देखने को मिलेंगे, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।